सरगुण मेहता ना पंजाब दे विच बहुत वड्डा नाम आ, वो प्रोड्यूस ते करदे ने, तुसी पंजाबी फिल्मां देखी उहनां दीआं, फॉलो करदे हो उहनां नूं पंजाबी फिल्मां दे विच जो करदे ने? हाँ, उनकी उनकी कुछ फिल्में देखी हैं। ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹੀ ਬੋਲਾ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਗ ਬੋਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਗਿਟਾਰ ਵੀ ਬਜਾਓ, ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਓ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕਰੋ। ਜਬ ਉਹਨੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕੇ ਲੀਏ ਰੈਡੀ ਹੂੰ, ਮੁਝੇ ਮੰਗਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗੀ। फिल्मी जंक्शन देख रहे सारे दर्शकों का मैं अभिषेक स्वागत करदा। साढ़े नाल अंकित गुप्ता जी बैठे ने, जुनूनियत शो इन्हों का आ रहा है, गलबात करांगे इन्हां नाल, जर्नी बारे जाणांगे। पहले तो बहुत बहुत वधाइयां, बहुत मुबारक, असी तुहाडी जर्नी देखी है उडारियां तो बाद बिग बॉस फिर जुनूनियत, इन शॉर्ट अपने बारे किवें देखदे हो, कितना समा लगा या तुहानूं लगा कि बहुत आसान सी, सब कुछ बहुत ईजीली हो गया? वो कुछ भी ईजी नहीं हुआ है, बहुत टाइम लगा है सब कुछ मिलने में, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक एट माई जर्नी, I feel it has been a beautiful and wonderful journey, और हर चीज़ अपने टाइम से सही मौके पर सही वक्त पर हुई है, तो इंजॉय करना है जर्नी बस। सरगुण मेहता ना पंजाब दे विच बहुत वड्डा नाम आ, वो प्रोड्यूस तो करते हैं, तुसी पंजाबी फिल्मां देखी उन्हां दीआं, फॉलो करते हो उन्हां नूं पंजाबी फिल्मां दे विच जो करते हैं? हाँ, उनकी उनकी कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे अभी लेटेस्ट उनकी सौकन सौकने आई थी, वो देखी थी, किस्मत 2 देखी है, कुछ और फिल्में देखी हैं। जो लास्ट टाइम असं इंटरव्यू किया उडारियां वेले, तुसी कहा सी मैं पंजाबी थोड़ी थोड़ी सीखी, तुसी कहंदे सी हर एक चीज़ वधिया वधिया, हुण वधिया तो अगे आए हो या वधिया के अगे हुण असीं कैंट आ गए हैं? क्या बात है। अच्छा, उडारियां तो लैके बिग बॉस की जर्नी और सब कुछ तो एज एन एक्टर या एज ए परसन की कुछ तुसीं सीख्या वा जिन्हों तुसीं इंप्लीमेंट करदे हो अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे बिग बॉस में मैंने सीखा है दैट इट इज़ ओके टू लेट गो, इट इज़ ओके टू एक्सप्रेस एंड फील वल्नरेबल समटाइम्स, इट इज़ ओके, इट इज़ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट अक्रॉस योर वर्ड्स योर ओपिनियंस, वहाँ ये सीखा है। जुनूनियत में म्यूज़िक सीख रहा हूँ, उडारिया में एक पैशनेट लवर कैसे बनते हैं वो सीखा है। अच्छा, बिग बॉस बारे दसो, तो लगता कि अंकित गुप्ता बिग बॉस पर्सनैलिटी हैगी है या तो लगता कि यार बस चले गए मज़े करके तो असं आ गए हैं? सच्ची दस्यो मैनू। मैंने तो पहले दिन ही यही बोला था कि मैं बिग बॉस पर्सनैलिटी नहीं हूँ, और जितना भी था वहाँ पे पूरे दिल से खेला और पूरे दिल से रहा, जो एक्चुअली मैं हूँ वही दिखाया, कुछ फेक नहीं किया। तो बाहर आके अपने एपिसोड देखा आपने अपनों की कट दे की दिखाते हैं? नहीं जी, कुछ नहीं देखा, बाहर आया मैं और सीधा जुनूनियत में लग गया। अच्छा, जो चूज करना पवे उडारियां या जुनूनियत च, एज एन एक्टर तो लगता कि बहुत मुश्किल से काम करना, किन्नू चूज करोगे? आई थिंक जुनूनियत, क्योंकि उडारियां में जो फतेह था, ही वाज अ बॉक्सर, ही वाज हॉट हेडेड, क्योंकि मुझे बॉक्सिंग का थोड़ा आइडिया है, थोड़ी नॉलेज है, तो और फतेह के लिए मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी मुझे जहान के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि जहान इज़ अ म्यूज़िकल पर्सन एंड परफॉर्मिंग अ सॉन्ग इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो बहुत मुश्किल होता है। गिटार भी बजाओ, गाना भी गाओ, एक्सप्रेशन भी दो, सब कुछ एक साथ करो। I don't know how people do it, how beautifully Shahrukh sir do it, how all the performers when they perform on stage, how they do it. It is the most difficult thing. क्या बात है। अच्छा, पंजाब च उडारियां दा भी शूट होया, इत्थे पंजाब किन्ना कु घूमे हो, कि थावां ते गए, कि चीज़ सब तो ज़्यादा तुहानूं चंगी लगती है खाने तो इलावा, क्योंकि खाना सब नूं बहुत चंगा लगता है पंजाब दा? मुझे यहाँ की ठंड बहुत पसंद है। क्या बात है। काफ़ी कुछ तो नहीं एक्सप्लोर किया, चंडीगढ़ ही मोस्टली, चंडीगढ़ मोहाली एक्सप्लोर किया है, कुछ फेवरेट कैफेज़ रेस्टोरेंट्स भी है जहाँ मैं रेगुलरली जाता रहता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। अच्छा, जो तो सीरियल ऑफर हुआ है सरगुण मैम ने कहा कि अंकित तुम्हारे लिए सीरियल है, मैम ने कहा नहीं मैम फिल्म दो यार, फिल्म कर दे या उन्हें मैम ने कहना चाहिए यार फिल्म कराओ मेरे? मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्हें लगेगा कि मैं फिल्म के लिए रेडी हूँ, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है। जानते जानते जो पंजाब के लोग ने, जो पंजाब की ऑडियंस उडारियाँ तो ताडे नाल जुड़ी है, फिर बिग बॉस के विच जो उन्होंने लोगों ने तुम्हें फॉलो किया, उन्होंने की अपील करना चाहोगे? गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट, उम्मीद से ज़्यादा मिला है, और कई बार अब मैं थोड़ा सा डर भी जाता हूँ कि मैं इसे संभाल पाऊँगा कि नहीं संभाल पाऊँगा, तो हर दिन कोशिश करता हूँ।
बस इतनी ख्वाहिश है, इतनी तमन्ना है कि ये जो प्यार है वो बस ऐसे ही बरकरार रहे और मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लाता रहूँ आपको एंटरटेन करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये सन अंकित गुप्ता की कुछ कहना है तो इन्हों के बारे अपनी राय जरूर दियो, तो देखते रहो फिल्मी जंक्शन।